हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सभी। तो देखिए, वैसे तो हम SOL की अपडेट तो देते ही दिल्ली विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई, पर हम सोचते हैं कि साथ ही साथ जॉब्स कोई भी गवर्नमेंट हो या किसी प्राइवेट सेक्टर में हो या ऐसी जॉब जो ऑथेंटिक है वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे ONGC, जिनको नहीं पता, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, एक बहुत बड़ी महानगरीय कंपनी आप इसको कह सकते हो, जिसे महारत्न के नाम से जाना जाता है, ठीक है, और जैसे आपकी इंडियन ऑयल है उसी टाइप की है। तो ONGC के अंदर कुछ पोस्ट निकाली गई है, और ये जो पोस्ट है ना, इसके लिए आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। और ये जो पोस्टें निकाली गई है, जो वैकेंसीज निकाली गई हैं, ये 10th बेस है, 12th बेस है और ग्रेजुएशन है, मतलब तीनों का ख्याल रखा गया है। प्लस ITI वाले जो बंदे हैं वो भी इसको भर सकते हैं, मतलब हर एक सेक्टर में जॉब निकाली गई है ONGC के अंदर। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे लाइक करना और शेयर करना मत भूलना। तो पहले हम देख लेते हैं, नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो ये जो अप्रेंटिस निकाली गई है, इसमें जो इस वैकेंसी का नाम है ONGC अप्रेंटिस रिक्वायरमेंट 2024, यानी कि ये इंटर्नशिप के तौर पर यह वैकेंसी निकाली गई है, मतलब कि कुल मिला के परमानेंट नौकरी नहीं है, ये एक तरीके की इंटर्नशिप है। मतलब इतनी बड़ी कंपनी में, गवर्नमेंट संस्था में आपको काम करने का मौका मिलेगा, साथ में आपको सैलरी भी मिलेगी, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इसकी जो टेंटेटिव सीट्स है वो बता देता हूँ, किस किस पोस्ट पे जॉब निकली हुई है वो आपको दिखा देता हूँ। इसमें जो पोस्ट निकली हुई है वो है आपकी, देखिए पहले आपको दिखाता हूँ वर्क सेंटर कहाँ का है। नॉर्दर्न सेंटर है, दिल्ली भी इसमें आपको मिलेगा, है ना, जोधपुर है, मुंबई सेक्टर में, मुंबई में भी है, पनवेल भी रहेगा, नावा रहेगा, गोवा रहेगा, हजीरा रहेगा, उड़ान रहेगा, मतलब ऑल ओवर इंडिया में निकली है, आप दिल्ली से भर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किस किस पोस्ट पर निकली हुई है वो भी मैं आपको दिखाऊँ, टोटल जो पोस्टों की बात कर लेते हैं, फिर मैं आपको पोस्टें भी दिखाऊँगा किसी पोस्ट पर निकली हुई है। तो ऑल ओवर इंडिया निकली हुई है, टोटल जो पोस्ट है वो 2500 से ज़्यादा पदों पर वैकेंसी निकली हुई है, ठीक है। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं ऑल ओवर इंडिया, हाँ किस किस पदों पर जॉब निकली हुई है पहले वो देख लेते हैं, वो देखना काफ़ी ज़रूरी है, उसके बाद ही सारी चीज़ें डिस्कस हो जाएगी। साउथर्न रीजन में भी निकाली हुई है ना, तो ये सारी चीज़ें जानकारी दी है। टोटल जो ग्रैंड टोटल है 2236 पोस्ट है, सेंटर सेक्टर टोटल में 249 और ग्रैंड टोटल में, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। एज क्राइटेरिया की बात की जाए, मैं दिखाऊंगा पोस्ट कौन कौन सी, पहले आप देख लीजिए, ठीक है। एज क्राइटेरिया की बात की जाए, 18 से 24 साल तक का कोई बंदा इसके लिए अप्लाई कर पाएगा, ठीक है। और रिलैक्सेशन 5 ईयर का SC ST को मिलेगा, OBC नॉन क्रीमी लेयर वालों को 3 ईयर का मिलेगा, क्योंकि अब मिलता है, PWD वालों को 13 ईयर, 15 से 13 ईयर को मिलेगा। अब देखिए किस किस पोस्ट में निकली हुई है, मैं आपको बता देता हूँ। एक निकली है लाइब्रेरी असिस्टेंट, लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए अगर आप अप्लाई करते हो तो इसकी क्वालिफिकेशन है 10th क्लास पास, जी हाँ। दूसरी निकली है फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट, इसके लिए 12th पास है। फिर है कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा, ITI इन कोपा ट्रेड, अगर आपने ITI में कोपा कर रखा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। फिर आपका सिविल में है ड्रग्स मैन, EIIT सिविल ट्रेड में है, इलेक्ट्रीशियन है, IIT इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, ये सब IIT वाली है, ठीक है, आप देख लेना। और कुछ ऐसी भी है, मैं दिखाता हूँ, ठीक है। BSc वालों के लिए भी है, लाइब्रेरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट, BSc केमिस्ट्री में होना चाहिए, अकाउंट एग्जीक्यूटिव, बैचलर डिग्री ग्रेजुएशन इन कॉमर्स, देखिए जो कॉमर्स ने किया कर रखा होगा उनके लिए एक अलग से पद निकाला हुआ है, कौन सा, अकाउंट एग्जीक्यूटिव का। और स्टोर कीपर पेट्रोलियम प्रोडक्ट का ग्रेजुएट मांगा गया है, इसमें कोई भी ग्रेजुएट वाला इसके लिए कर सकता है स्टोर कीपर, ठीक है। और फिर आपका है BBA की डिग्री जिसके पास है उसके लिए एग्जीक्यूटिव HR है, आपका सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएट है, डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए भी ग्रेजुएट मांगा गया है, और फायर सेफ्टी एग्जीक्यूटिव BTEC BSc मांगा गया है। और ये कुछ जॉब्स हैं इनके लिए, इंजीनियर में अगर आपका डिग्री है तो इनके लिए अप्लाई कर सकते हो, और ये जियोलॉजी में अगर आप है तो पेट्रोलियम एग्जीक्यूटिव, लाइक ऑल ओवर सबका ध्यान रखा गया है इसमें, 10 से लेकर 12th और ग्रेजुएट लेवल IIT डिप्लोमा सबके लिए, ठीक है। ये चीज़ें मैंने आपको बता दी, अब अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। आपको जाना है पोर्टल, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूँ अप्लाई का, apprenticeshipindia.gov.in पे आकर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, फर्स्ट टाइम जा रहे हो तब वहाँ से अप्लाई करोगे। देखिए सैलरी किसको कितनी मिलेगी, यानी स्टीपेंड, ग्रेजुएट अप्रेंटिस अगर आप करते हो BA BCOM BSc BBA BA BTEC वाले, उनको 9000 रुपये पर मंथ मिलेगा,
3 ईयर डिप्लोमा जिन्होंने कर रखा होगा इंजीनियरिंग में, उनको 8,500 मिलेगा। एक तरीके से पार्ट टाइम जॉब होती है इंटर्नशिप में, ठीक है। और फिर आपका ट्रेड अप्रेंटिसशिप में, जिसमें 10th और 12th वाले उनको 7,000, ट्रेड अप्रेंटिसशिप में IIT ट्रेड 1 ईयर ड्यूरेशन वाले 7,700 और ट्रेड अप्रेंटिसशिप 2 ईयर ड्यूरेशन वाले 8,500, ठीक है। तो आपके सामने मैंने दिखा दिया ओवरऑल कितना मिलेगा आपको, ठीक है। और द ट्रेनी इज नॉट एलिजिबल फॉर एनी TA DA, आपको कोई TA DA नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी ट्रेनिंग के तहत ही आपको पैसे मिलते हैं, सीखने को भी मिलेगा और काफ़ी हद तक परमानेंट होने के चांसेस भी हो जाते हैं, ठीक है। सिलेक्शन कैसे रहेगा, सिलेक्शन फॉर अप्रेंटिस वो भी बेस्ड ऑन मेरिट, मेरिट बेस पे आपको होगा, ड्रोन ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, ठीक है। मतलब आपके मेरिट बेस में होगा, जो भी आपके क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में मार्क्स होंगे उसके तहत। इन केस ऑफ द सिमिलर नंबर ऑफ मेरिट ए पर्सन विद हायर एज वुड बी कंसिडर्ड, नो कन्विंसिंग इन्फ्लुएंस में रिजल्ट रिजेक्शन कंसिडर, ठीक है। तो यानी कि मान लीजिए अगर आपके नंबर कम है और एज ज़्यादा है तो ऐसी कंडीशन में आपको भी कंसिडर किया जा सकता है, ठीक है। तो मतलब मेरिट बेस होगा कुल मिला के बात ये। जनरल कंडीशन है, कैंडिडेट स्टार एडवाइज केयरफुली रीड फॉर एडवर्टाइजमेंट फॉर डिटेल्स फॉर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिलेक्शन, ठीक है, हमने पढ़ लिया है। द कैंडिडेट शुड नॉट बी अंडरगॉन अप्रेंटिसशिप एली परसीव अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, बोला है कि एक बार ज्वाइन करने का आप नहीं भाग सकते, आपको करना पड़ेगा पूरा 1 साल तक का, ठीक है। कैंडिडेट हु है ट्रेनी जॉब और जॉब एक्सपीरियंस फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर, 1 ईयर को आपको एक्सपीरियंस मिलेगा और जॉब भी करवाई जाएगी, मतलब साथ ही साथ फॉर मोर आफ्टर, ठीक है। ऐसा बोला गया है कि बाकी आपकी क्वालिफिकेशन के आधार पर बढ़ाया भी जा सकता है, बट आप ये नहीं है कि एलिजिबल ही होगी, आपको 1 साल के बाद भी काम पर रखा जाए, ठीक है। नहीं खुल रहा कि इंटर्नशिप है, ठीक है, जो जो इंटर्नशिप की एक वो खास बात होती है वो सब इसमें डाला गया है। फीस की बात कर लेते हैं, फॉर्म की फीस का, फीस की फॉर्म है 0 रुपये, कोई फॉर्म की फीस इसमें नहीं लगेगी, डायरेक्ट फ्री में आप अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई कैसे करना है, आपको जाना है अप्रेंटिसशिप, ये वेबसाइट है apprenticeshipindia.gov.in, इसकी हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, इसके आप जाके आप अप्लाई कर सकते हो। सिलेक्शन एंड ज्वाइनिंग कैसे है, सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी द इंटीमेटेड थ्रू द रजिस्टर्ड मेल ID, आपको मेल आईडी पे बता दिया जाएगा आप सिलेक्ट हो गए हो। द वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट शैल बी डन पीरियड ऑफ ज्वाइनिंग ऑन द स्पेसिफिक डेटा डेट एंड रजिस्ट्रेशन फॉर्म विल बी जनरेट वंस ऑफ कैंडिडेट सिलेक्टेड, ए प्रिंट आउट ऑफ द सेम मे बी टेकन फ्रॉम द वेबसाइट व्रो डूइंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। एक बार सिलेक्शन हो गया, आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एक डेटा आप प्रिंट आउट करोगे, फिर उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट एंड ओरिजिनल टू बी व्रॉड ऑफ वेरिफिकेशन शैल बी द इंटीमेटेड टू द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात की जाए, 4 अक्टूबर से फॉर्म आ चुके हैं और लास्ट डेट जो रहेगी वो आपकी 25 अक्टूबर तक आप इसके लिए अप्लाई कर पाओगे। डेट ऑफ रिजल्ट सिलेक्शन का रहेगा 15 नवंबर को इसका रिजल्ट आ जाएगा, मेरिट बेस होगा, कोई रिजल्ट इसका एग्ज़ाम नहीं होगा, ठीक है, मेरिट बेस होगा, आपके नंबर जो होगा उसके आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। और हाउ आर द केस इनसफिशियंट रिसिप्ट, ठीक है, ठीक है। और कोई भी क्वेरी अगर आपकी हो तो इस पर मेल कर देना ongcskilldev@ongc.gov.in, इस पर ईमेल आईडी उन्होंने दे दिया है। और वर्क लोकेशन कहाँ का रहेगी, देहरादून, दिल्ली, है ना, सारे है, देखिए पूरे ऑल स्टेट है, ऑल डिस्ट्रिक्ट में रह सकता है, ठीक है, आपके सामने दिखा दिया। तो बस यही था, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, जिसको भी करना है कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई फीस आपकी लगेगी नहीं, कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, मेरिट बेस होगा पूरा, ठीक है। अगर सिलेक्शन हो जाता है तो ज्वाइन कर लेना, 9,000 रुपये महीना आपको मिलता रहेगा। BA वालों को सबकी अलग अलग फीस है, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, थैंक यू।